ऋषिकेश, पहले आपके पास आना चाहूंगी। और कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जो परसेप्शन की बात थी वो तो कांग्रेस के लिए बदली, लेकिन असर क्या हुआ और क्या आने वाले चुनाव में उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, कैसे इसे हम देखें, इसका आकलन कैसे कर पा रहे हैं आप, क्योंकि पूरे देश की नजर है इस वक्त। अभिलाषा, देखिए एक तस्वीर दिखा रहा हूं और इसी से विपक्ष के मौजूदगी का सवाल उठ रहा है। स्नोफॉल लगातार हो रहा है और जिस स्टेडियम में यह कार्यक्रम होना उसके ठीक बाहर न्यूज़ 24 है। खराब मौसम की वजह से जो कांग्रेस की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं वो कहा जा रहा है कि खराब मौसम होने की वजह से ही जो बड़े चेहरे जिसके बारे में आप कह रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं हो पाए हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हो पाए हैं। 13 से 14 राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे हैं जिन्हें बुलाया गया था 23 में से, वो आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे इस स्टेडियम में। अब से थोड़ी देर के बाद ये जो कार्यक्रम होना है, लेकिन एक बात तय है, राहुल गांधी ने इस सवाल का कल जवाब दिया कि क्या विपक्ष एकजुट नहीं है, बिखरा हुआ है। उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि विचारधारा के आधार पर वो भले ही अलग अलग हैं लेकिन संवाद इन विपक्षी दलों के बीच में जो समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं उनके साथ वो लगातार कर रहे हैं। और जो रोडमैप क्या होगा, भारत जोड़ो यात्रा अब खत्म हो गई है तो इसके बाद अब आगे क्या राहुल गांधी करेंगे, तो उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि संवाद और समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ उनके दिमाग में एक नहीं कई सारे प्लान हैं और वो एक एक करके आपके सामने आएंगे। तो ये कहना कि विपक्ष बिखरा हुआ है, राहुल गांधी ने इसे एक सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि संवाद और सेकुलरिज्म की सियासत को, गैर बीजेपी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया अभिलाषा, कि गैर बीजेपी दल एक साथ हैं और एकजुट होकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात को जानती है कि बीजेपी के खिलाफ समान विचारधारा वाली पार्टियों को एकजुट करने की जिम्मेवारी है। उसका फार्मूला क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर अभी अस्पष्टता है। और कांग्रेस के रणनीतिकार ने जब कल देर रात में जब डिनर पार्टी चल रही थी तो उन्होंने कहा कि 2019 के पहले आपको याद होगा कि कोलकाता में एक ऐसा ही विपक्ष का एक बड़ा कुनबा एकजुट हुआ था और वो मोर्चाबंदी जिसे बाद में एक एजेंडा बना दिया गया सत्ता पक्ष की तरफ से और फिर उससे ध्रुवीकरण की कोशिश की गई है। इस बार वो 15 महीने पहले ऐसा कोई एजेंडा नहीं देंगे, विपक्ष का कोई नेता एक साथ खड़ा नहीं होगा कि जिससे कि सत्ता को कोई मौका मिले और सबको करप्शन या अन्य मुद्दे पर एक साथ जोड़कर वो एक एजेंडा बनाने की कोशिश करे। इसीलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि समान विचारधारा वाली पार्टी, खास करके जो गैर बीजेपी दल हैं, उनके साथ बिल्कुल ही विखंडन नहीं है, एकजुटता है, समय के साथ संवाद चल रहा है और संवाद के जरिए वो इसे आगे बढ़ाएंगे। तो ये देखना है कि आज के मंच पर कौन कौन से लोग होते हैं, कितना दल है, 23 में से कितने दल आते हैं, लेकिन कोई बड़ा चेहरा मौजूद नहीं है। ये बात भी सच अभिलाषा, राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हो गए हैं लेकिन विपक्ष के नेता होंगे या नहीं होंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है ऋषिकेश। बिल्कुल आपने सही कहा कि अपनी पार्टी में वो सबसे बड़े पद पर नजर आ रहे हैं, सबसे ऊंचे जिसको कहते हैं प्रोजेक्शन के तौर पर वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरे विपक्ष को वो लीड कर पाते हैं या नहीं, ये सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।